फ्रेंड्स, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने के लिए उसको हथकड़ियाँ पहनाना जरूरी है। किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए उसको हथकड़ियाँ और चेनों में बांध के गिरफ्तार करना जरूरी है। इन सारे सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है एडवोकेट राज राठौड़ और आप देख रहे हैं एडवोकेट राज राठौड़ यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज का सवाल ये है कि क्या किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसके दोनों हाथों में हथकड़ियाँ और उसके गले में चेन वगैरह पहनाना जरूरी है? क्या किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसके हाथों को बांधना जरूरी है? तो फ्रेंड्स, इसकी बात करें तो किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसके हाथों में हथकड़ियाँ पहनाना या फिर उसके हाथों को किसी रस्सी से बांध देना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसके साथ ऐसा किया जाए, ना ही नैतिक तौर पे ये करना सही लगता है। लेकिन फ्रेंड्स, अब सवाल ये है कि हम कई बार देखते हैं पुलिसकर्मी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार जब करते हैं तो उसके हाथों में हथकड़ियाँ पहनाते हैं या फिर उसके हाथों को रस्सी से बांध दिया जाता है या फिर उसके गले में कई बार चेन भी पहनाई जाती है। आखिर ये क्यों? फ्रेंड्स, हमारा कानून हर व्यक्ति को एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे ट्रीट करता है, एक मानवीय नजरिए से देखता है। तो ऐसे में हमारा कानून ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति अपनी मर्जी से गिरफ्तार होने के लिए तैयार है, जब आप उसको गिरफ्तार करें और उसके भाग जाने का खतरा नहीं है, तो उसको हथकड़ियाँ पहनाना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है और उसको हथकड़ियाँ नहीं पहनानी चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, कई बार ऐसा भी होता है कि कोई व्यक्ति गिरफ्तार बड़ी मुश्किल से होता है या फिर पुलिस उसको पीछा करके गिरफ्तार करती है, और जब उसको गिरफ्तार करती है पुलिस बड़ी मुश्किल से, तो उसके भाग जाने का खतरा भी बना रहता है। और पुलिस को अगर ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति भाग जाएगा या फिर ये कुछ गलत एक्टिविटी कर सकता है या फिर कुछ पुलिस किसी पुलिसकर्मी को नुकसान पहुंचा सकता है या फिर कुछ ऐसी एक्टिविटी कर सकता है जिसकी वजह से कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है, तो ऐसे खूंखार अपराधी को हथकड़ियाँ पहनाई जाती है या फिर उसके हाथ बांध दिए जाते हैं या फिर उसके गले में चेन वगैरह पहनाई जाती है। जबकि एक नॉर्मल व्यक्ति का जिसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं रहा हो, उसको हथकड़ियाँ नहीं पहनाई जाती है और उसको ऐसे सीधा ही गिरफ्तार किया जा सकता है। फ्रेंड्स, बस यही रीज़न होता है, कानून में ये कहीं नहीं लिखा है कि उसको हथकड़ियाँ पहनाई जाए या फिर उसके हाथ बांध दिए जाए, ये कहीं नहीं लिखा है। लेकिन सेफ्टी और एक इंश्योर होने के लिए कि ये व्यक्ति भागेगा नहीं, ऐसा किया जाता है। अगर उनको लगता है कि ये व्यक्ति नहीं भागेगा तो उसको हथकड़ियाँ नहीं पहनाते हैं, उसको सीधा ही गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के लिए हथकड़ियाँ का पहनाना कोई ज़रूरी नहीं है। गिरफ्तार करने के लिए किसी व्यक्ति को चेन का पहनाना ज़रूरी नहीं है, अनटिल और अनलेस वो व्यक्ति एक खूंखार क्रिमिनल ना हो, एक आदतन अपराधी ना हो, तब तक उस व्यक्ति को हथकड़ियाँ या फिर रस्सी से हाथ बांधना या फिर उसके गले में चेन बांधना बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। फ्रेंड्स, आई होप आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट लाइक एंड यस, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू सो मच फॉर